हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल पीके मोबाइल। आज देखेंगे ओप्पो A31 अनलॉकिंग करेंगे, कैसे अनलॉकिंग करेंगे। पहले हम UMT MTK के टूल्स ओपन करेंगे। यो है, एग्री पे क्लिक करेंगे। इसको हम फॉर्मेट यूजर डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्जिट। और हम मोबाइल का प्लस और माइनस दोनों स्विच को दबाएंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस। उसके बाद केबल लगाएंगे। ये देखिए ब्रोम MTK ले लिया, ब्रोम मोड में लिया है। ये रनिंग एक्सप्लोरेटरी में अभी है। देखिए डाउन हो गया। रीडिंग पार्टीशन ओके। फैक्ट्री यूजर डाटा फेल्ड है। देंगे मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ये मेरा डाउनलोड फाइल में है। ये देखिए डाउनलोड, ये मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। ये फाइल है, लेटेस्ट वर्जन है 1.2.62। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन मेल आईडी है, इसको टाइप करेंगे रजिस्ट्रेशन मेल आईडी। और आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो भी है आप डायल करेंगे। लॉगिन करना है, ये ओपन हो गया। ये देखिए जो ब्रांड इनफिनिक्स मॉडल है, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद ओप्पो में जाएंगे और हमारा मॉडल है ओप्पो A31। ओप्पो A31 को हम क्लिक करेंगे। ये देखिए CPS 20, ये जो मॉडल है हमारा, ये मॉडल है, इसको क्लिक करेंगे CPS 2015। उसके बाद हमारा जो इसको फैक्ट्री रिसेट एंड FRP को क्लिक करेंगे। और सेम प्रोसेस हम ये करेंगे, मोबाइल प्लस और माइनस दोनों स्विच प्रेस करेंगे। ये देखिए मोबाइल का ये प्लस माइनस दोनों को दबाएंगे और केबल लगाएंगे। ये देखिए मेरे डीएसपी कोड ले लिया, एक फ्लोटिंग डिवाइस ब्रोम एक्सेस ओके, डाउनलोड एजेंट। ओके देखिए ये हमारा रीडिंग पार्टीशन ले रहा है अभी, फॉर्मेटिंग डीजेड पार्टीशन। और इसमें अनलॉकिंग करने के लिए बहुत आसान है, आप ही यूज़ कीजिए। मैं यूज़ करता हूँ और ये बहुत अच्छा से अच्छा काम कर रहा है। जितना भी रेस्पॉन्स है मेरे को लगता है ये बेस्ट है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।